नमस्कार पिलामाने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत हो। आज जो क्लास रहा पिलामाने आपण मानकर ओएसएससी सिविल जेई क्रैश कोर्स ये रहबो क्लास नंबर 12। ठीक अछि पिलामाने सिलेबस वाइज डिस्कशन ये क्लास नंबर 12 रहिबो। या पूर्व ऑलरेडी 11 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड अछि। आजिकार क्लास रे स्पेशल केन रहबो आपण मानकर जोटा कि आमे सिंगल क्लास रे गुटे सब्जेक्ट को कवर करबो चर्चा करबा। ठीक अछि पिलामाने गुटे सिंगल क्लास मींस दैट मींस आपण हाईवे इंजीनियरिंग को एक क्लास मध्ये रे मु सॉल्व करबो चाहिबी। आ क्लास के लेंथी रहबो आ ता सहित मैक्सिमम क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन सहित आपण कर इंपोर्टेंट एमसीक्यूज एवं कोन रहबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये इथरे इंक्लूडेड रहबो। चलंतु आज क्लास को आगे बढ़ के नहीं जावा देखा फास्ट कौन अच्छी। ठीक अच्छे पाला आज डिस्कशन आम जो रखीचु हाईवे इंजीनियरिंग जोड़े कि आम यहाँ डिस्कसन करवा या पूर्व आप बिल्डिंग मटेरियल डिस्कसन सही जाती एस्टिमेटेशन और कॉस्ट इवैल्यूएशन क्लास आसवर अच्छी। सहित आपर लेक इरीगेशन सरी लैंड सर्वे सरी जाती सहित आपको एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी क्लास सरी सारी। ठीक अच्छे पाला सहित नेक्स्ट जोटा कि क्लास आपर मुझेदी जोटा कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग रो क्लास आसो आउ कि क्लास जोटा कि आपर बहुत जल्दी मुझे सारे चेषा करी और ओनली वन क्लास आप सारे चेस्टा करेंगे। ठीक अच्छे पाला चलांतु आज का क्लास को आगे नहीं बढ़े जावा कौन अच्छी क्लास देखा आपर हाईवे इंजीनियरिंग में कौन कौन सब्जेक्ट रे कंटेंट अच्छी देखीदे आपको सिलेबस डिस्कसन आप इंट्रोडक्शन रोक प्रथम हाईवे इंजीनियरिंग रापर आप रोड जियोमेट्रिक्स रोड मटेरियल्स रोड पेमेंट्स हिल रोड रोड ड्रेनेज रोड मेंटेनेंस एवं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स ये समस्त आपंकर कंटेंट रही है। ठीक अच्छे पाला ये समस्त कंटेंट रही है कौन हाईवे इंजीनियरिंग तो आज का डिस्कशन यही समस्त क्वेश्चन उपर रही सब सब्जेक्ट उपर रही तो फास्ट क्वेश्चन आपंकर जमीक आसा द फैक्टर इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर आपंकर जोटा कि जो कौन प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होती जो कॉस्ट रोचे खर्च होता हूँ कौन कौन फैक्टर से प्रतिक्रिया कर इन्फ्लुएंस कर सी कर सप्लाई और डिमांड जमीक आप सप्लाई करेंगे और तार डिमांड कौन रही सी ही जो उत्तर बहुत जो कि सप्लाई एंड डिमांड एनसर हो परवर्त क्वेश्चन बढ़ जा परवर्त क्वेश्चन दे द करेन्ट लोड लेंथ ऑफ रोड लेंथ ऑफ इन इंडिया इज इन ह्विच पोजिशन इन द वर्ल्ड आपंकर जो इंडिया जो कि रोड लेंथ अनुसार तार पोजिशन कौन अच्छी सेकेंड अच्छी आप द्वितीय पोजिशन रही सहित जोटा कि आप सिक्स आपंकर 6,215,790 1797 किलोमीटर रोड एत पर्यटन भारत में यावर्त क्वेश्चन बढ़ जा परवर्त क्वेश्चन कौन अच्छी देखा द करे हाईवे इन इंडिया अंडरटेकन बाय आपर जो आप करेन्टली जोटा कि हाईवे जो डेवलपमेंट होगा कंस्ट्रक्शन होने से प्रकार प्रोजेक्ट आसूसी ए समस्त डेवलपमेंट वर्क इंडिया रे किए कर ये समस्त किए कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप एनएचएआई आप कंडक्ट करते मन क्षेत्र इंपोर्टेंट रही है सहित यार फॉर्मेशन होता है 1988 नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम सहित जोटा कि फॉलोअप करता है समस्त जिनस को। ठीक अच्छे पाला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखा परवर्त क्वेश्चन दिला द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट सुपर एलिवेशन ग्रेडिएंट इज मोस्ट इफेक्टेड बाय आपंकर ये समस्त जिनस जोटा कि आप एरर रही है वर्टिकल अलाइनमेंट होगा सुपर एलिवेशन होगा कौन प्रकार ग्रेडिएंट होगा युवाक बहुत खराब भाव में जोटा कि एफेक्टेड होता है कौन जो एफेक्टेड होता है आपंकर स्पीड ऑफ व्हीकल जो ठीक अच्छे पाला स्पीड ऑफ व्हीकल जो ये समस्त जिनस एफेक्टेड होता है परवर्त क्वेश्चन बढ़ जाए परवर्त क्वेश्चन देला द डिजाइन स्पीड ऑफ नेशनल हाईवे ऑन ए क्रॉस स्लोप ऑफ अप टू 10% इज आप कौन प्रकार नेशनल हाईवे जो क्रॉस स्लोप हो 10% पर्यंत तार डिजाइन स्पीड के 100 किलोमीटर पर आवर आप 100 किलोमीटर पर आवर यह उत्तर परवर्त क्वेश्चन जीवा द मेन पर्पोज ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इज आप जोटा कि रोड में जो कैम्बर प्रोभाइड होता है कैम्बर प्रोभाइड कर मुख्य उद्देश्य कौन रु कलेक्ट स्टर्म वाटर मन रखिए इंपोर्टेंट रही है यह क्वेश्चन टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपटा रही है टू कलेक्ट स्टर्म वाटर कैम्बर इज प्रोभाइडेड इन द रोड। ठीक अच्छे पाला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जा कैम्बर में आउ कौन दिला रेनी सीजन में कौन होता है रोड यूजुअली फ्लडेड विथ वाटर सो कीप द पेमेंट ड्राई दे हाव टू ड्रेन ऑफ सो द रोड इज प्रोभाइडेड विथ ए कैम्बर जिते आप वर्षा ऋतु में कौन होता है रास्त समस्त जगार कौन होता है जल सब भर्ती होता है तो फ्लडेड बनार परिस्थिति क्रिएट होता है से पेमेंट को ड्राए रखापी जोटा कि आपंकर कैम्बर प्रोभाइड होता है तो कैम्बर हूँ ड्रेन अफ करता है वाटर को जोटा कि रेनी सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखा ये क्वेश्चन देला पिला माने लीगल एक्सेल लोड ऑफ द डिजाइन व्हीकल यूज्ड इन इंडिया इज आपंकर जोटा कि आप भारत में जोटा कि जितक डिजाइन होती व्हीकल तार एक्सेल लोड मैक्सिमम के तार मैक्सिमम एक्सेल लोड रही है 8.2 टन या अधिक आप रोड जोटा कि सस्टेन कर पार्वन तेनाली कम रहा दरकार यहाँ को आपको इंडिया प्रोभाइड करवर्त क्वेश्चन करवा परवर्त क्वेश्चन देला पिलाने द बैकिंग एफिशिएंसी फॉर ए व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर हैविंग ए लार्ज डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लॉजिकल फ्रिक्शन
फ्रिक्शन इज 0.36 ता आपण ले आपण को वर्किंग एफिशिएंसी कोन हबो से पचला आपण व्हीकल जोडो के स्पीड देतिला 18 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस लेग डिस्टेंस दे दिची 40 मीटर आउ ता आसे तो लोंगिट्यूडनल फ्रिक्शन आपण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जोडो आपण देतिला 0.36 ताले आपण माने वर्किंग एफिशिएंसी बाहर करिवे तो वर्किंग एफिशिएंसी में फार्मूला कोन होई जइबो जोडा की v स्क्वायर / 2 gl आपण को जोटा की वर्किंग एफिशिएंसी फार्मूला होई जइबो ठीक छ बला ने तिनो आपण माने फार्मूलेशन को सहित यार कोएफिशिएंट को सॉल्व करिवे जदी आपण को आंसर भालिवो 25.28% जो होची तापर वर्किंग एफिशिएंसी जो आउ यहाँ से तो मु कहि रखु छी पिला माने ये पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन आसीतिला तो एथरे टिके वैल्यू रो चेंजेस अछि तो वैल्यू ओनली चेंजेस हाई थे तो आपन को वर्किंग एफिशिएंसी रो जोटा के फार्मूला को मन रखे को पड़िबो ता सहित तो आपन माने ये समस्त रो जोटा की आपन को जति कैलकुलेशन पार्ट रहिबो ताकु मु एठी बुझै पा संभव टिके हे परिबोनी काहेके लेंथी हे जइबो क्लास बहुत आउ ता सहित बहुत गुडा क्वेश्चन अछि हम डिस्कशन करबा तेनो ए क्वेश्चन रोडा को आपन पीडीएफ को फॉलो अप कर देबे नहले आपन स्क्रीनशॉट करिके देखि परिबे ठीक अछि पिला माने समस्त क्वेश्चन रो सॉल्यूशन आपन को अवेलेबल हे जइबो परवर्ती क्वेश्चन पढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन सी इफ द कैम्बर इज एक्स परसेंट देन क्रॉस स्लोप आप हम जब कौन सी कैम्बर जो परसेंटेज दी एक्स परसेंट जो कत परसेंट हो पाए क्रॉस स्लोप कौन हम एक्स पाई 100 हो मन के इंपोर्टेंट रही है सी आपको उत्तर हो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द राइज ऑफ क्राउन फॉर पेमेंट ऑफ 7 मीटर वाइड हैविंग 1 इन 50 स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एज इज आपर के एज रोटा कि विथ ऑफ पेमेंट देदेला 7 मीटर ता सहित स्लोप वैल्यू देदेला कौन देदेला 1 इन 50 स्लोप जोटा कि सही अनुसार रिस्पेक्ट एज रो राइज ऑफ क्राउन कौन हम आप क्वेश्चन पचार राइज ऑफ क्राउन रो वैल्यू कैसे हम ये 0.07 बाकी यार कैलकुलेशन पार्ट आपड़ी देखेदेवे सिंपल कैलकुलेशन हो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन बाकी आपको भल कि देखिए देखा 7/2 × 1/50 आप जो 1 × 50 स्लोप्स करदे तो सही अनुसार आपको कैलकुलेशन 0.707 हो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से देखा द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरेज वे इन अर्बन रोड्स ठीक अच्छे पे आपको अर्बन रोड गुड़ाक जोटा कि मिनिमम विड्थ कौन रहा कैरेज रोटा कि विड्थ रही है 3.75 मीटर दिस वैल्यूएशन सब जो वैल्यू समस्त मन रखी थे पे आपको इंपोर्टेंट रही है अर्बन साइड में आपको 3.75 और जो आप कौन प्रकार रूरल साइड को जाते हैं तार वैल्यू हो 3.5 मीटर मन रखी थे ये सब वैल्यू गुड़ाक ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से देखा द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल मूविंग विथ 45 किलोमीटर पर आवर एंड हैविंग ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 इज आपर कहला जदि स्टॉपिंग साइट व्हीकल हो 40 किलोमीटर पर आवर आउ ता सहित कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देदेला ताले आपनको पचला एसएसडी केते आपनकर वैल्यू हो एसएसडी स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस इटा को हम एसएसडी कहि दउ तार वैल्यू 51 मीटर हो जइबो बाकी यार कैलकुलेशन पार्ट इज हियर यू कैन सी दैट द आंसर हाउ इट कैलकुलेटेड ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो कोन अछि इफ द स्पीड ऑफ ए ओवरटेकन व्हीकल इज 50 किलोमीटर देन द स्पेस स्पेसिंग ऑफ व्हीकल इज आपर कौन हम ये देखते आप स्पेसिंग ऑफ व्हीकल कौन हम जदि आप स्पीडा ओवरटेकन करदेला 50 किलोमीटर पर आवर रू अधिक होगा तेने स्पेसिंग व्हीकल स्पेसिंग केमी कार्ड करेंगे बाहर करेंगे तार फर्मुला है एस इक्वाल टू 0.2 V/6 ठीक अच्छे पाला मैंने तो भी वि जोटा कि भि सफिस भी रोज तो भि वि जोटा कि आप व्हीकल स्पीड हो ठीक है पाला मैंने तो वी भी आप व्हीकल स्पीड हो अनुसार कैलकुलेशन कर 60 मीटर वैल्यू बाहर जीव तो आप जोटा कि स्पेसिंग व्हीकल से गला एस इक्वल 0.2 V/6 ठीक अच्छे पाला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जा परवर्त क्वेश्चन देखा ये रहा द रिलेशनशिप बिटवीन द एसएसडी एंड आईएसडी आप एसएसडी और आईएसडी भितर जो रिलेशन रही एसएसडी इक्वल टू आप 2 ISD ठीक अच्छे पाला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एसएसडी आप कौन हो आपको एसएसडी ओएसडी ए समस्त जिनस को मुझे देखे देखते ये आईएसडी दे जोटा कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग ओएसडी ठीक अच्छे पाला मैंने कौन से प्रकार ओएसडी प्रोवाइड करने कौन से प्रकार प्रोविजन ना ता सहित एज फार एज पॉसिबल रोड आर प्रोवाइडेड विथ एसएसडी आप रोड जोटा कि एसएसडी प्रोवाइड होता है आउ एसएसडी कौन हो एसएसडी हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ठीक अच्छे पाला मैंने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको एसएसडी आईएसडी आपको इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस तो एसएसडी आपको इक्वल टू हो 2 × ISD तार रिलेशनशिप रही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखा द रेशियो बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और व्हीकल वेट रो रेशियो को आम कौन कही था इंपैक्ट फैक्टर जो आप कौन से व्हीकल जो इंपैक्ट फैक्टर काढ़ कहे तो आप रेशियो क्या काढ़े सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एप्लाइड आउ सहित वेट ऑफ द व्हीकल रेशियो काढ़ निश्चित भाव में आपंकर इंपैक्ट फैक्टर बाहर परवर्त क्वेश्चन देखा परवर्त क्वेश्चन पचला इफ द रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज 120 मीटर देन कैलकुलेट द सेफ
एलाउबल स्पीड आपर कहला जदि आपर हॉरिजॉन्टल कर्व रोटा कि रेडियस रहा 120 मीटर देन तार तार सेफ एलाउबल स्पीड कौन रही है तार सेफ स्पीड कौन रही है 60 किलोमीटर पर आवर रही है एनसर बाकी कैलकुलेशन केमती कहे आपको मैं देखे दूसरी ठीक अच्छे पाला फर्मुला रही है जोटी वेलोसिटी आपर वी ए इक्वल टू आपर होगा रूट टू 270.27.94 आर आपर से अनुसार पुट करूँ आर वैल्यू 120 मीटर जोटा कि आप रेडियस रही है हॉरिजॉन्टल कर्व से अनुसार आपको वैल्यू बाहर जाए गोटे कथा कह रखी पाला जो जो मैथमेटिकल क्वेश्चन गुड़ा करुच्छे से ही क्वेश्चन ही आसूँ तारी आप वैल्यू चेंज करके आसो क्वेश्चन कितना से ही क्वेश्चन गुड़क आप देखिए जाइए इंपोर्टेंट रही है ये क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी इफ द सुपर एलिवेशन इज 0.07 एंड विड्थ ऑफ पेमेंट इज 7 मीटर देन द रेज ऑफ आउटर एज विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज आपर रेज जोटा कि आउटर एज आउ इनर एज रखे रेसीो से आप कौन हो 7/0.7 कर दिखाँ सिंपल आउ किसी ना 0.49 आप आंसर बाहर जी ठीक अच्छे पाला नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देला आप गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन अनदर मैथमेटिकल क्वेश्चन द मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ ए कर्व इज 1.5 मीटर द कर्व हैविंग ए रेडियस ऑफ 120 मीटर एंड डिजाइन स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर फाइंड द टोटल वाइडनिंग ऑन द कर्व तो वाइडनिंग आप टोटल वाइडनिंग के एक्स्ट्रा विड्थ वाइडनिंग जो कि 1.5 मीटर प्लस बी वाई जो 9.5 स्क्वायर रूट आपर आर हो दैट इज आप फर्मुला ये आपको रही है सी अनुसार आपको वैल्यू को पुट करते आंसर बाहर जो 2.26 मीटर परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन कौन देखा द मिनिमम वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन तो आप मिनिमम वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन कौन रही है मैक्सिमम वैल्यू कौन रही है मिनिमम वैल्यू आप 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही है सेकंड क्यू रही है आप 0.8 मीटर पर सेकंड क्यू जोटा कि आप मैक्सिमम वैल्यू रही है ठीक अच्छे पाला मैंने वैल्यू को मन रखिथे नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी इफ द डेविएशन एंगल ऑफ ए कर्व इज 1/200 एंड द डिजाइन स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर देन द कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द वैली कर्व फॉर ए कंफर्ट कंडीशन तो कंफर्ट कंडीशन पाई अपन टोटल लेंथ ऑफ वैली कर्व कर्व रो जोडा कि टोटल लेंथ केते हिजो सेटा कोन पचला तार फार्मूला कोन होइबो ये देखो तो फार्मूला दिबे 0.38 इनटू NVy NV3y इनटू हाफ अबा 0.5 अपन कर परबे ठीक अछि पले माने एटा को अपन 2 दी पावर 0.5 हाफ टा जी 2 दी पावर होइबो जोटी के एठी करेक्टली अपन लिखाई छी परवर्ती क्वेश्चन पढि जा परवर्ती क्वेश्चन कोन छै देखियौ परवर्ती क्वेश्चन देखंतु फॉर places where there is a passage of a flowed water then the highway has to be built on jodi apan mar ko kahila kon si jaga re kon si sthan re kon si flowed water passage rahi chi tale highway ta ko komite teri kara jibo embankment thik achi pura mane embankment re teri hobo next question bodi jiba next question dela the process by which the water voids are removed are called apan ko joda ki the process voids water ru jo voids guda ko apan bahar kara jete ta ko ame sei process ko kon koithau voids ko water ru alaga kariya process ko ame kon koithau consolidation ठीक अच्छे पाला कनसोलेशन आपको उत्तर परवर्त क्वेश्चन दिवा मंटीमोरिट एट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही पे मंटीमोरिट इज ए टाइप ऑफ मिनरल व्हिच कॉजेस एक्सपेंसिव बिहेवियर इज फाउंड इन आप कौन फाउंड हो जाए यह जो भी बहुत एक्सपेंसिव बिहेवियर तरह कारण होता है या कौटी कौन जगह मिले ये मिले आप ब्लैक कॉटन सॉइल मंटीमोरिट ठीक अच्छे पे गोटे टाइप रोटी मिनरल नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हिच टाइप ऑफ ए रोलर इज मोस्ट सुइटेबल फॉर सॉइल कंपैक्शन तो सॉइल कंपैक्शन पाई कौन प्रकार रोलर जोटा कि सब सुइटेबल था सीट फुट रोलर आप आंसर हो परवर्त क्वेश्चन जीवा द वेट ऑफ हैमर इन मॉडिफाइड प्रोट्रैक्टर टेस्ट अपैरेटस इज आपर जोटा कि मॉडिफाइड प्रोट्रैक्टर टेस्ट अपैरेटस रे हैमर रो वेट के तार ओजन होता है 4.7 केजी आप बी उत्तर हो परवर्त क्वेश्चन देखा द इफ द लोड ऑफ लोड वैल्यू एट 2.5 mm penetration in CBR is 190 kg and the load for 5 mm penetration is 48 kg then the CBR value at 5 mm penetration is apnakar hoibo 4.5 value apnakar dekhidebe mathematical question hoibo kichhi nahi apnakar 48 into 190 kg apnakar karantu jodi ki 5 mm ro penetration soito jodi ki 2.5 mm ro penetration ko jodi ki divide karantu aa ta soito apnakar 2055 jodi ki apnakar value ko multiply kar diantu apnakar value bai jibo porobarti question jiba स्टोन एग्रीगेट डू नॉट हैव रेजिस्ट आपंकर स्टोन एग्रीगेटा कौन रेजिस्ट कर नए सॉइल लोड को रेजिस्ट कर पारे स्टोन जोटा कि एग्रीगेट नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा स्किड रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन आपको स्किड रेजिस्टेंस को मेजर करने आम कौन व्यवहार करते आम व्यवहार करते ब्रिटिश पेंडुलम नंबर ठीक अच्छे पहले मैंने बी उत्तर हो ब्रिटिश पेंडुलम नंबर आप स्किड रेजिस्टेंस को जोटा कि मापी था यहाँ घसी देखिए आप मापी था देखिए पेंडुलमटा गोटे यूज करते हैं रास्ता गुड़ाक कौन प्रकार रोड को चेक करके जाते हाईवे चेक करते निश्चित भाव देखो घसिक देखुए कि कौन प्रकार मेटेरियाल मैंने उठे जाऊ नहीं तो
ब्रिटिश पेंडुलम रंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन सीसी पेवमेंट। तो सीसी पेवमेंट रे जो ठीक मिनिमम ग्रेड कौन है M40 आपण सी ए जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन जी परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी देखा परवर्ती क्वेश्चन आप मैक्सिमम स्ट्रेस सस्टेंड बाय कंक्रीट पेवमेंट इन केजी सेम स्क्वायर आपण मानकर कहिला जोटा कि आप मैक्सिमम हूँ मैक्सिमम स्ट्रेस कंक्रीट हूँ पेमेंट जो सस्टेन करते हैं केते होता है आपण 45 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी देखा टू इलास्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय आप दुटा इलास्टिक थ्योरी डेवलप होता तो क्या द्वारा होता ये होता है बर्निस्टर आप सी जो उत्तर। परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन होता व्हाट इज द मोस्ट सुपीरियर मटेरियल यूज इन द पेमेंट आप पेमेंट रोटा कि जो मटेरियल होता है से गोटे मोस्ट सुपीरियर मटेरियल कैटा हो बिटमिन बढ़िया क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन था द शॉकिंग पीरियड इन सीबीआर सैंपल इज आप सीबीआर सैंपल रो जोटा कि शॉकिंग पीरियड कौन रही है सी रही चार दिन रही है आप शॉकिंग पीरियड जोटा कि सीबीआर सैंपल रो। परवर्त क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी परवर्त क्वेश्चन था जॉइंट फिलिंग सैंड सुड हैव फाइन सार आप जॉइंट जोटा कि जॉइंट फिलिंग जो बाली व्यवहार कराई थे तार फाइन सार जोटा कि साइज कौन रही है सर साइज रही है आप 75 माइक्रोन्स। परवर्त क्वेश्चन जी फेलियर इन रिजिड पेमेंट्स अफकोर्स ड्यू टू आपर रिजिड पेमेंट रोटा कि फेलियर होता है तार कौ रिजल्ट होता है कौ कारण होता है लेस कंपाक्शन होता है आपर सी बी जो उत्तर। परवर्त क्वेश्चन जिला व्हाट इज द मैक्सिमम फैटिक रेसियो ऑफ रिजिड पेमेंट तो एम कहते रिजिड पेमेंट रोटा कि मैक्सिमम फैटिक रेसियो हो 0.9 ठीक अच्छे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द पॉइजन रेसियो ऑफ कंक्रीट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूर्व पचाराई आपर जोटा कि पॉइजन रेसियो कंक्रीट हो 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन अच्छी रैपिंग स्ट्रेस कॉफिशिएंट चार्ट्स वेयर प्रिपेयर्ड बाय आप रैपिंग स्ट्रेस कॉफिशिएंट चार्ट क्या द्वारा प्रिपेयर होता है ब्राडबरी मन रखिए इंपोर्टेंट सी आपकी परवर्त क्वेश्चन देखा व्हाट इज द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर रिजिड पेमेंट तो रिजिड पेमेंट एफओएस आप 1.1 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन देला द एप्लीकेशन दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द हिली हिल सर्वे इज आप कौ प्रकार एप्लीकेशन हिल सर्वे व्यवहार कर जाए पहाड़ अंचल कौन सी प्रकार सर्वे आम स्टैट प्रो व्यवहार कर सहित स्टैट प्रो गोटे प्रकार सॉफ्टवेयर जहाँ को आम कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड अदर स्ट्रक्चरल फंक्शन व्यवहार करता परवर्त क्वेश्चन बढ़ी जाए परवर्त क्वेश्चन कौन से देखा द अलाइनमेंट ऑफ हिल रोड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेज टू स्टेज नुए थ्री स्टेज डिवाइड होता है जोटा कि हिल रोड रोटा कि अलाइनमेंट नाम कौन रिकनसीनेंस आ सहित ट्रेस ट्रेस कट एंड डिटेल सर्वे तीन टाइम कैटेगोरी आप हिल रोड को डिवाइड कर परवर्त क्वेश्चन देखा परवर्त क्वेश्चन देखा व्हाट इज द मिनिमम स्पीड लिमिट डिजाइन फॉर हेयर पिन बैंड आपर मिनिमम स्पीड लिमिट है आप 20 किलोमीटर पर आवर मन रखिए इंपोर्टेंट हो। परवर्त क्वेश्चन देखा व्हाट इज द मिनिमम डिजाइन स्पीड ऑफ द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ऑफ हिल आपर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में जोटा कि हिल रोड जोटा कि हिल एरिया जो डिस्ट्रिक्ट रोड था तार स्पीड मिनिमम डिजाइन स्पीड के 30 किलोमीटर पर आवर ताठू अधिक स्पीड आप जापरि नहीं। परवर्त क्वेश्चन देखा इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ हिल रोड आप हिल रोड मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर हो रिटेनिंग वॉल मन रखिए रिटेनिंग वॉल हूँ आप मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर आउ इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर रही है हिल रोड में। परवर्त क्वेश्चन देखा द इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एबव द रोड विदाउट इंपैक्टिंग द लोड इज आप कहला जदि आप इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड कर तो कितु रोड रोसी प्रकार इंपैक्ट न देखिए जब लोड कौन प्रकार इंपैक्ट न देखिए रोड तैयार करेंगे आम कौन कही था गैलरी आपंकर एनसर गैलरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देला द प्रिवेंटिव मेजर एक्सेप्टेड इन हिल रोड डू नॉट इंक्लूड आपंकर जोटा कि हिल रोड रे कौन से प्रकार प्रिवेंटिव मेजर आप एडप्ट करते तो से इनक्लूड क्या सहित होता है ब्रिक मेसनरी आपर जो प्रिवेंटिव मेजर में जा नई जब आप कौन से प्रकार प्रिवेंटेशन मेंटेनेंस वर्क करते ब्रिक मेसनरी इज नॉट इंक्लूडेड इन हिल रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला द सीपेज फ्लो इज प्रेजेंट इन आप सीपेज कौटी थाए आपू रोड में आप सीपेज देखा पाए सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम आप सीपेज देखिए सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम कौन जोटा कि अंडरब्रिज आप पारती जमी रेलवे ब्रिज जाऊँच रेलवे तार तले देखिए जो रास्ता होता है से जो कंक्रीट रोर अंडर ब्रिज या बर्षा दिन कौन होना सीपेज होता है सब सरफेस ड्रेनेज कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जी द पाथ ऑफ व्हील कॉजेस डैमेज
इन द फॉर्म ऑफ आपनकर जोटा की व्हील पाथ रे ओकर डैमेज हेचा ये को फॉर्म रे डैमेज हेते रॉड एंड कर्वेशन रे डैमेज हेते माने कि रॉड्स एंड कर्वेशन डी आपनको आंसर हिजबो परवत क्वेश्चन देला इफ द कैनाल एंड ड्रेन एट सेम लेवल देन द क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आपनकर जदी कैनाल एवं ड्रेन रो लेवल जदी समान थाए तले क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर को हमें कोन कहिताउ हमें लेवल क्रॉसिंग कहिताउ ताको मन रखथिबे इंपोर्टेंट रहिबो सी हिजबो आपनको उत्तर लेवल क्रॉसिंग कहिताउ नेक्स्ट आसिला आपनकर व्हिच इज द मोस्ट प्रेफर्ड शेप एट शेप ऑफ ड्रेनेज तो ड्रेनेज रो मोस्ट प्रेफर्ड शेप आपन कोन होइबो एटा होइबो ट्रापीजोडियल सब उडा के कॉमन जोटा के आपन करो शेप थाय ड्रेनेज सिस्टम रो सेट होछि ट्रापीजोडियल से आपन करो शेप रे थाय परवत क्वेश्चन जिबा जे कहिला द पर्सन ऑफ द वाटर व्हिच फ्लोस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड आपन करो जोटी की रोड रो सरफेस ऊपर जोटा की वाटर फ्लो होइथाय ताको हमें कोन कहिताउ ताको हमें कहिताउ रन ऑफ कहिताउ माने केतिबे रन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पचेला पर बिटुमेन पेमेंट कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड कैलकुलेट डिस्चार्ज मींस क्यू क्यूटा हो जाए आप मीटर क्यूब पर सेकंड रहता है डिस्चार्ज तो इफ इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज आप इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दे देला 40 mm मीटर मिलीमीटर पर सेकंड एंड एरिया आप डिस्चार्ज काढ़ती आम एरिया इंटू वेलोसिटी काढ़ी देव सिंपल कथा आप किसी डोनेट हवा ना एथरे आ गोटे जिनस खाली छोटी जिनस इनक्लूड हम से कौन देखु Q इक्वल टू सी आई ए आप बिटुमिन पेमेंट डिस्चार्ज काटते से अनुसार आप काढ़े तो एनसर आप देख दिखाँ क्यू इक्वल टू सी आई ए तो क्यू सी आप वैल्यू दे 0.9 और आई रैल्यू रही आप 40 mm पर सेकेंड स्क्वेयर और जोटा कि ए रैल्यू रही 100 तो सही अनुसार आपको पाइबे 3.6 इंटू 6 मीटर क्यू पर सेकेंड आप एनसर जोटा का हो सी ठीक अच्छे बोला मैंने सी आपको एनसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन अच्छी द डिस्चार्ज इन मीटर क्यू पर सेकंड फॉर सरफेस ड्रेनेज ऑफ 100 मीटर क्यू एंड वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड आप वेलोसिटी दे देला एरिया दे दी तो आपको कहला डिस्चार्ज से आप किसी आए करना डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी क्यू इक्वल टू ए भी आप समस्त जानते तो सही अनुसार आप वैल्यू बाहर 500 मीटर क्यू पर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पचारा जे टू फुलफिल द एडिक्वेट प्रिमाबिलिटी ऑफ डी 15 ऑफ ए फिल्टर और डी 15 ऑफ फाउंडेशन रेशियो शुड बी ग्रेटर देन आपको कहाँ टू ग्रेटर देन अधिक आवश्यकता 5 रु अधिक आवश्यकता नेक्स्ट क्वेश्चन देला देयर एरोजन बिटवीन द शोल्डर एंड पेमेंट लीड्स टू आप जोटा कि शोल्डर आपंकर पेमेंट रे जो एरोजन होता है दिजों का भितर जो एरोजन होता है तरह लीड किए करते हैं एज ड्रॉप मैंने कहते हैं सी एज एनसर नेक्स्ट क्वेश्चन रोड रफनेस इज मेजर्ड बाय आप रोड रो रफनेस को मेजर करता हूँ क्या माध्यम से मेजर करता हूँ बोथ बम्प इंटीग्रेटर एंड लेजर मध्यम जोटा कि आम मेजर करता हूँ बम्प इंटीग्रेटर और लेजर मध्यम रोड रो रफनेस को आम रोड रोटी ऊंचा नीचा अच्छी कौटी आप अधिक खदड़ा अच्छी से समस्त जिनस जोटा कि आम ये समस्त जिनस मापी था बम्प इंटीग्रेटर और लेजर साहय परवर्त क्वेश्चन देला द कलवर्ट इज ए स्ट्रक्चर हुज स्पान इज लेस देन आपको कलवर्ट गोटे प्रकार स्ट्रक्चर जोटा कि तार स्पान के दिन थाए तार जोटा कि दिन अतिवाहित करते लंब थाए 6 मीटर ठीक है मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देला द एम्बेकमेंट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग आपको एम्बेकमेंट जा कंस्ट्रक्टेड होता है कौ मेटेरियल द्वारा सोइल ले ठीक अच्छे बोला माटी द्वारा आपको तैयारी होता है परवर्त क्वेश्चन देखा द स्टेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन इज चेक टू एनसीयर द आप जोटा कि गोटे स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को चेक करने तो फाउंडेशन जो स्टेबिलिटी के तार स्ट्रेंथ के समस्त जिस चेक करने कौन चेक करता हूँ सीयर स्ट्रेंथ तार सीयर स्ट्रेंथ आम चेक करता हूँ सी जो उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देला गोटे द इक्विपमेंट हैविंग ए बकेट इज आप देखते गोटे एक्सकैवेटर एमती गोटे जिस देखा जाए जो माटी खोलने गोटे बकेट भाई जिस व्यवहार करता हूँ यार नाम कौन ठीक अच्छे पाला मैंने यार नाम हूँ आप काम सेल मन रखे काम सेल या कही था एक्सकैवेटर जो पार्ट्स विषय देखी जाइए ये आपर जोटा कि हाई इंजीनियरिंग ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो एपने जो 60 क्वेश्चन आसन जहाँ कहल 25 रू 22 क्वेश्चन जोटा कि आपको रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो कौन से भी क्वेश्चन को आप एवोड करते क्विट करते आगे बढ़ी चलत लास्ट पर्यटन क्लास देखी थोड़ा समस्त धन्यवाद थैंक यू फर वाचिंग पुणी देखा ये एक भिडियो सहित बहुत जल्दी आपंप सहित से समस्त भिडियो को लाइक सेयर कमेंट कर चलते पीडीएफ मो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दिखाँ पीडीएफ आपको इजिली अवेलेबल हो थैंक यू एवं बाय बाय समस्तों को।